नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते, इस वक्त आ रही खबर का, और खबर सीधा शहडोल से आपको बता देते हैं, जहां बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अब कार्रवाई की है। सीएमएचओ राजेश पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर बारिया को हटाया गया है, सिविल सर्जन है डॉक्टर बारियो। एसएनसीयू और पीआईसीयू में 18 बच्चों की मौत के बाद ये कार्रवाई की गई है। बड़ी देर से जागे स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन देर है दुरुस्त आए। सीएमएचओ इन्हें पहले भी कांग्रेस कार्यकाल में हटाया जा चुका है, कमलनाथ जी की सरकार के समय, और उसके बाद दोबारा ये वहीं पदस्थ हो गए थे जाके, लेकिन एक बार फिर हटाने की कार्रवाई की गई है, और अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ये कार्रवाई की है। कांग्रेस लगातार सीएमएचओ को हटाने की मांग कर रही थी, लोगों के विरोध के बाद एक्शन में सरकार आई है। राहुल राणा संवाददाता फोन लाइन पर शेड्यूल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राहुल, क्या कुछ अपडेट? जी परुण, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज स्वास्थ्य मंत्री का दौरा था शेड्यूल में, लगातार बच्चों की जो मौत हो रही थी, प्रबंधन ने 5 बच्चों की मौत छुपाई भी थी, जिसको लेकर के मंत्री भारी नाराज यहाँ पे नजर आए। उन्होंने पहले निरीक्षण किया, उसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान ये भी कहा कि बच्चे की जो मौत हुई वो स्वाभाविक हुई है, लेकिन जाते जाते उन्होंने सीएमएचओ शेड्यूल राजेश पांडे को और सिविल सर्जन बीएस बारिया को निलंबित करके गए, यहाँ से हटा के गए हैं। इससे पहले भी सीएमएचओ पर कार्रवाई हो चुकी है, मैं गलत नहीं हूँ अगर तो राहुल? इसी साल 2020 में कमलनाथ जी की सरकार थी, मंत्री आए थे, उन्होंने देखा था, यहाँ निरीक्षण किया था, और तत्काल उन्होंने सीएस को और इनको सीएमएचओ को हटा के गए थे यहाँ से। उसके बाद वापस से उसी पद पर आकर बैठ गए थे। राहुल, अब आगे जो ये कार्रवाई हुई है, इसके बाद कोई बदलाव दिख रहा है अस्पताल में? कोई ऐसे संकेत कि अब स्ट्रिक्ट हो गया है स्वास्थ्य विभाग, महकमा, आप थोड़ा सा दुरुस्त कर दें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, ऐसा कुछ संकेत? बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन जो है अभी निलंबन होने के बाद से जो भी यहाँ पे प्रभार में आएंगे वो सत्ते में है, और देख करके आज जो इनका मंत्री का दौरा था उसको लेकर के यहाँ पे व्यवस्थाएं आज बहुत चौक चौबंद वैसे भी कर दी गई थी, व्यवस्था और सुधार में थी। आज शुरू में जब 6 बच्चों की मौत हुई थी राहुल, तभी अगर ये कार्रवाई कर दी जाती तो ये आंकड़ा 18 तक नहीं पहुंचता, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब देर तो हो ही गई है। 18 बच्चों की मौत के बाद ये मौत का आंकड़ा फिर ना बढ़े, आशंका तो यही है कि ऐसा अब नहीं करेंगे डॉक्टर, लेकिन अगर इस कार्रवाई का कोई असर हुआ होगा तो जाहिर है अब थोड़ा बदलाव अस्पताल प्रबंधन में और अस्पताल में जो काम करने वाले डॉक्टर्स, उनमें दिखेगा। बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए।